21 दिन में मधुर बांसुरी बजाना सीखें, 21 दिन में बांसुरी के उस्ताद बन जाएं। ओ भैया, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। 21 दिन में यहाँ पे आपको रोज एक ही लेसन बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा बजा पाओगे। समझ गए? जिनमें हिम्मत है वो टिके रहें, जिनमें हिम्मत नहीं है वो भैया कहीं और जाकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। मैं संगीतमय चिन्मय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस रियाज लेसन में। आज टंग के स्ट्रोक्स का एक और रियाज लेसन लेकर आया हूं। आज से मैं वो जो टक 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 का इफेक्ट होता है ना, वो आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। इससे पहले दो रियाज सेशंस और थे, अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया है अच्छे से, 21 दिन तक का टारगेट सेट नहीं किया है, तो आपको ये भी नहीं आ पाएगा। जो लोग नए आए हैं वो सोच रहे होंगे 21 दिन क्या है, तो मैंने रियाज सेशन शुरू किए हैं जस्ट लाइक अ लाइव क्लास, कि आपकी लाइव क्लास चल रही है, आपको लगातार बजाना है, ब्रेक मिलेगा उसमें रेस्ट करना है, 21 डेज तक वो यूट्यूब पे उसी क्लास को बार बार प्रैक्टिस करना है। रोज कमेंट बॉक्स में आपको अटेंडेंस देना है, आपका नाम लिख के डे वन डे टू, ऐसे 21 डेज का टारगेट, और 21 डेज होते ही आपका बहुत अच्छे से बजने लग जाएगा, बहुत सुधार आ जाएगा। हाँ, इधर उधर भटकना नहीं है बच्चों, डिसिप्लिन के साथ सीखोगे तभी तो आएगा आपको। तो चलो मैं प्रैक्टिस शुरू करवा रहा हूँ। ट ट ट ट, स्लो प्रैक्टिस, ओके। अब आप तक तक बोले या टक टक बोले चलेगा, ऐसा कुछ साउंड निकलना चाहिए। तो जो ट या त है उसमें टंग आएगी और बाकी नॉर्मल ब्लो आएगा। हाँ, त या ट में टंग, टंग का थ्रो, बाकी क में सिंपल। तो वो ह भी हो सकता है, ट ह ट, लेकिन जब फास्ट बजेगा तो वो टक टक या तक तक साउंड करेगा। तो सब लोग सीधे बैठ जाओ। हाँ, शुरू करते हैं। मेरे साथ हाँ, टक 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 टक, सांस भरो, सा नोट केवल। टक 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 टक, अबरे बजाएंगे। रुक जाओ, बहुत ध्यान से बजाओ, फूक का आवाज क्यों आ रहा है आपका? हाँ, पूरा फोकस करो। अब ग बजाएंगे। टक टक टक, टक
म बजाएंगे, माँ में स्वर नहीं बिगड़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ सिखाते वक्त। इनहेल, अगर आपकी तका की आवाज ही नहीं निकल पा रही कि भाई टंग जो है वो बहुत थक गई है, तो उसको आप गा के देख। आहा, क्या हवा चल रही है। सा सीधे बैठो। अब छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट है तो देख लेना। Thank you.
का सात 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 निका 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 धक्का 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 पका 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 मका 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 गका 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 रेका 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 रेका। देखो जब मैं पूरा मस्ती में झूम जाता हूँ तो प्रकृति भी झूम रही है मेरे साथ, या मैं उसके साथ झूम रहा हूँ कि हम एक ही है, पूरा फील करता हूँ मैं। आप भी फील करना सीखो, मजा आएगा। वापस कमॉन, आप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, करो करो, सीखना है, कमॉन। जाओ गका गका, मैं गा रहा हूँ। मका 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 पका 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 धक्का धक 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 निका 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 निका। थोड़ा सा इसको स्पीड को थोड़ा सा और तेज करेंगे और मजा आएगा। थक गए तो ब्रेक ले लो छोटा सा। नमस्कार, मैं हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक। आज मैं किसी सज्जन पुरुष के बारे में कहूँगा। उनकी पहली किताब जो आई है, जिसको हम कहते हैं संगीतमय चिन्मय, हमारे मित्र का नाम है चिन्मय गौड़। उन्होंने पहली बार ये किताब लिखी है और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मुझे एकदम नई लगी, और मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि इस किताब में है। और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि ऐसी नई नई बातें हमारे बच्चों के लिखते रहें, ताकि हमको भी उसका ज्ञान हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका ज्ञान हो। धन्यवाद, नमस्कार। अभी थोड़ा सा और तेज करेंगे, फिर उसको यही ख़त्म करेंगे। टक 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 Thank you.
हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसको ऐसे ही 21 दिन तक आप प्रैक्टिस करेंगे, अटेंडेंस नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, समझ गए? मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। अगले लेसन में इसका स्पीड और तेज होगा, रिदम के साथ करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? जय हिंद और जय भारत।